हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 1 जनवरी 2024, तो नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम जा रहे हैं सर्ववेद महामंदिर, जो कि सारनाथ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं, हमारे घर से ज़्यादा दूरी नहीं है, तो हम लोग आ गए क्योंकि आज अच्छा दिन हुआ था, तो सोचा थोड़ा घूम लिया जाए, बच्चों को घुमा दिया जाए। तो देखिए कैसा है मंदिर। ये 18 सालों की मेहनत है और ये मंदिर 18 सालों से बन रही थी। इसमें कोई मंदिर में देवता देवी नहीं है, बल्कि एक योग साधना केंद्र है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 20,000 से अधिक लोग बैठ के एक साथ योग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ की कारीगरी तो इतनी बढ़िया है, इतनी रोचक है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। बिकॉज 18 दिसंबर से यहाँ पे मोदी जी आए थे, इसका शुभारंभ उद्घाटन किए हैं, और उस दिन से लोगों की वीडियो और लाइन लगी हुई है। बस वीडियो, फ़ोटो, सेल्फी, जिसको जो करना है आके यहाँ पे अपना ले सकता है। और सच में ये बहुत वाकई बहुत अच्छी जगह है, और हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया, बच्चे भी वहाँ गए थे। और देख लीजिए, आप लोगों को भी अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये जगह गाजीपुर से अगर आप लोग आ रहे हैं तो गाजीपुर वाले रास्ते में ही सीधे पड़ेगा, और अगर सारनाथ से आ रहे हैं, कैंट होते आ रहे हैं, तो गाजीपुर वाले रोड में जाके पड़ेगा। और वहाँ पे उमरहा गांव है। उमरहा गांव में बस गांव में ये 100 मीटर के अंदर पे ही है, सड़क से 100 मीटर अंदर पे ही है ये गांव और ये मंदिर भी। तो मंदिर तो बहुत अच्छा है और सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस साल नए साल पर। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।